नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम जी मिश्रा, आप सभी का स्टार मीडिया न्यूज में स्वागत है। दोस्तों, मैं मुंबई मलाड़ मनपापी उत्तर वार्ड के अधिकारियों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, जहां बीती रात अवैध निर्माण से बने रूमों के गिरने से 11 लोग मौत के मुंह में समा गए, जिसमें 9 लोग एक ही परिवार के हैं और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आप फुटेज में देख सकते हैं कि वहां 4 मंजिले इमारतें अवैध रूप से कितनी बनी है, या यूं कहें कि कलेक्टर की जमीन पर चालनुमा अवैध तरीके से एक के ऊपर एक रूम बनाए गए हैं। खैर, हादसे के बाद घायलों को देखने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी अस्पताल पहुंचे थे और मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की, और कुछ नेतागण घटनास्थल पर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त किए। परंतु यह हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके जिम्मेदार कौन कौन से लोग हैं, इसका कोई जिक्र नहीं। फिलहाल इमारत के ठेकेदार व मालिक के ऊपर मामला दर्ज हो चुका है, जबकि इस अवैध निर्माणों में शामिल मनपा प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय नेताओं के खिलाफ भी FIR दर्ज होना चाहिए था। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मालोनी मलाड वेस्ट, मालोनी मड़ राठौरी, ये सब इलाका जो है ये अवैध निर्माण का गढ़ रहा है, और पिछले कोविड मार्च फरवरी से लेकर अभी तक वहां पर हजारों अवैध निर्माण हुए हैं। हजारों शिकायतें करने के बावजूद भी यहां के अधिकारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके कान पर जू तक नहीं रेंगती है। उसी का मेन खामियाजा है कि उसी का रिजल्ट है आज बेचारे इतने 12 से 13 लोग जो है मौत के मुंह में समा गए और कितने लोग जो है घायल हो गए हैं। इसी तरह यदि अवैध निर्माण को रोका नहीं गया, मलाड़ में चल रहे बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण को रोका नहीं गया, तो ऐसे हादसे आए दिन होते ही रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे आधे से पौने घंटे में आ गई थी, लेकिन धमाका इतना तेज था घर का, ऐसा लग रहा था कि कहीं पे विस्फोट हो गया बहुत बड़ा। हम लोग यहाँ तक थे, यहाँ पे हमारा ऑफिस है, आवाज इतनी तेज थी जैसे कि कोई विस्फोट हो गया। और अभी 3 बच्चों को भी निकाला है, 2-3 लेडीज को पहले आगे लेके गए वो लोग, लेकिन उसमें से एक लेडीज बहुत काफी सीरियस थी, इंजर्ड थी वो, और अभी एक रिसेंटली एक पर्सन को लेके गए, उसकी भी हालत काफी स्थिर सीरियस बताई जा रही है। आपको बता दें कि मनपापी उत्तर वार्ड के अधिकारियों की मिली भगत से पिछले 20 सालों से अवैध निर्माण का बोलबाला है। वार्ड के अधिकारी और नगर सेवकों व स्थानीय पुलिस की कमाई का मुख्य जरिया है। इन्हीं अवैध निर्माणों के जरिए सारे मनपा अधिकारी और नगर सेवक करोड़ों की प्रॉपर्टी बना चुके हैं। पिछले साल मार्च में कोविड महामारी की आड़ में मनपापी उत्तर वार्ड के तत्कालीन भ्रष्ट अधिकारी मनपा के सहायक आयुक्त संजोग कवरे, पद निर्देश अधिकारी कुंदन वाल्वी, अमोल राठौड़, द्वितीय अभियंता दीपक शर्मा, जयेश राउत, मुकद्दम विठल राठौड़ और नाना जाधव के देखरेख में छोटे बड़े हजारों अवैध निर्माण हो चुके हैं। ये घर का सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा, जो ये 3-3 4-4 माले के घर बन गए यहाँ पे, कलेक्टर कंपाउंड बोलते हैं इसको, 3 से 4-4 माले के यहाँ पे घर बने थे। मैं कलेक्टर से यही विनती करूंगा कि आगे जो भी आसपास के और भी घर है उनके ऊपर भी चेकिंग की जाए, क्योंकि सामने वाले जो घर है 4 माले का वो भी काफी हिल गया है, तो उसके लिए भी मैं प्रशासन से और ये कलेक्टर ऑफिसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी भी जल्द से जल्द छानबीन करके उनके परिवार को निकाला जाए, वहाँ के जो भी लोग हैं आसपास के उनको जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए, नहीं तो इससे बड़ा और कोई हादसा हो जाएगा यहाँ पर। मेरी यही विनती है सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से सर। हाल ही में मैंग्रोव के पेड़ों को दबाकर राठौड़ी के क्षेत्र में ग्राउंड प्लस 2 के 48 रूमों का निर्माण किया जा चुका है, जबकि कुछ रूम रोड कटिंग में जा रहे हैं। इन अवैध निर्माणों को दर्जनों शिकायतें मनपापी उत्तर वार्ड के रिकॉर्ड में दर्ज कराई जा चुकी हैं। सैकड़ों कमर्शियल गाले व रूम बनाए जा चुके हैं, आज तक कोई भी अवैध निर्माण पर तोड़क कार्रवाई नहीं की जा सकी है, जिसके एवज में कथित भ्रष्ट अधिकारियों ने करोड़ों रुपयों की कमाई की है या नहीं, मोस्ट करप्ट मनपा सहायक आयुक्त संजोग कबरे को डिमोशन न करने के कारण नौकरी से निलंबित करना चाहिए था, हुआ उल्टा, मनपा के उपायुक्त के पद पर प्रमोशन कर दिया गया, और दूसरे कर्मठ अधिकारी दत्तात्रेय भोए को बगैर किसी गलती के निलंबित कर दिया गया।
वो भी एक करोड़पति नेता के इशारे पर। यह कहाँ का इंसाफ है? भ्रष्टाचार विरोधी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेबी सिंह ने कहा कि इन भ्रष्ट अधिकारियों के भ्रष्टाचार के सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं, जब भी आवश्यकता पड़ेगी हम प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की एंटी करप्शन ब्यूरो से जांच होनी चाहिए तो पता चलेगा कि कौन कौन अधिकारी भ्रष्ट हैं, इनको तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए। और इस हादसे के मुख्य आरोपी बोल सकते हैं आप जिम्मेदार पद निर्देशित अधिकारी कुंदन वल्वी, अमोल लाठौर, तत्कालीन सहायक आयुक्त जिसका अभी डीएमसी पद के लिए प्रमोशन हो गया है मिस्टर संजोग कबरे, और द्वियम अभियंता दीपक शर्मा और जयेश राउत, मुकादम नाना जाधव को तुरंत ऑफिशियल इंक्वायरी करके तुरंत इनको सस्पेंड करना चाहिए, तभी जाके मलाड में अवैध निर्माण का काम जो है रुक पाएगा, नहीं तो ऐसे हादसे आए दिन होते रहेंगे। और इन लोगों के पास अनगिनत बेनामी संपत्ति मिलेगी जिससे सरकार को फायदा होगा, क्योंकि अवैध निर्माणों के एवज में करोड़ों रुपया ले चुके हैं। घूस लेने का नतीजा निकला कि मालौनी में अवैध निर्माण किए हुए रूम से गिरे जिसमें 11 लोगों की मौत और 8-7 लोग गंभीर हो गए। भविष्य में ऐसे ही आने वाले खतरे मंडरा रहे हैं। हाल ही में मालौनी के गिरे रूमों से मरने वालों लोगों के जिम्मेदार मनपापी उत्तर वार्ड के अधिकारी हैं। इन अधिकारियों पर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। दोस्तों, इस खबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें तथा शेयर जरूर करें। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको हमेशा न्यूज अपडेट मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।